काले कानून का जनाजा निकल चुका है और ये इस तरफ आ रहा है बढ़ते हुए, जिस जगह धरने का मरकजी मकाम है। और मोहतरम जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, इस काले कानून के खिलाफ तवाना आवाज, ये है आल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और इनका महमूद हामिद साहब, इकबाल यूसुफ साहब और दीगर तमाम अफराद इस काले कानून का ये जनाजा और ये ताबूत लेके आए हैं। और यकीनन इसके अंदर आखिरी कील इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान अपनी टीम के साथ ठोकेंगे, और बल्कि यूं समझे कि कीलें ठोक दी गई हैं, ठोक दी गई हैं, ठोक दी गई हैं। काले कानून का ये जनाजा एंड सिन असेंबली, जहां से इस कानून को मंजूर किया गया था, प्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर। सामने बैठ जाओ भाई, जनाजे के सामने बैठ जाओ, बेहरमती हो जाएगी। प्रेस के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि काले कानून का जनाजा निकाल दिया गया है। कराची के शहरियों ने, कराची के ताजिरों ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज के ताजिरों के मुश्तरका इत्तेहाद ने इस काले कानून का जनाजा निकाल दिया है और ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी गई हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब कराची अपने रोशनियों के शहर की तरफ आएगा, हकीकी आवाज की तरफ आएगा। कराची की हकीकी आवाज आवाम की नुमाइंदगी है।